मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर। आज हमारा लास्ट टॉपिक है पार्टनरशिप फंड का, और जिसमें हम बात करेंगे चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म, यानी अगर फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज होता है तो हम फर्म का असेसमेंट किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज का मतलब क्या है। देर आर थ्री पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ यू। सबसे पहले कह रहे हैं कि अगर एक या एक से ज़्यादा पार्टनर फर्म को छोड़कर चले जाते हैं, मतलब पार्टनर नहीं रहते, अगर एक या एक से ज़्यादा पार्टनर फर्म को छोड़कर चले जाते हैं, वो पार्टनर नहीं रहते, लेकिन पुराने पार्टनर में कम से कम एक पार्टनर वहाँ ज़रूर रहना चाहिए, मतलब एक पुराना पार्टनर और बाकी के नए पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो जाना। उसके अलावा अगर ये हो जाए कि सभी जो पार्टनर्स का शेयर और प्रॉफिट का जो रेशो है वो चेंज हो जाए, तो भी इसको फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज मानेंगे। यानी कि पहला क्या हुआ, एक पार्टनर पुराना और प्लस में बाकी के नए पार्टनर हो सकते हैं, या दो भी पार्टनर पुराने हो सकते हैं, मतलब एटलीस्ट वन ओल्ड पार्टनर मस्ट बी देयर, ठीक है। उसके अलावा पार्टनर कोई भी आ रहा जा रहा कोई इशू नहीं है, बस वो मिनिमम कंडीशन ज़रूर होनी चाहिए कि कम से कम दो पार्टनर हमारे पास ज़रूर होने चाहिए, अदरवाइज़ अगर एक पार्टनर रह जाता है तो हमारी फॉर्म नहीं रहती, फिर वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में पर्सन आ जाएगा और उसको इंडिविजुअल तरीके से टैक्स देना होगा। और अगर उनके शेयर या जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आएगा तो भी फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज समझा जाएगा। दूसरी बात, असेसमेंट आफ्टर ए चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब दूसरा पॉइंट क्या है, मान लीजिए अगर चेंज आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन बदल गया, तो असेसमेंट किस तरीके से किया जाएगा। असेसमेंट शैल बी मेड ऑन द फर्म एज कॉन्स्टिट्यूटेड। ऑब्वियसली जब भी हम असेसमेंट का टाइम आएगा तो उस समय जो फर्म का रूप हमारे सामने होगा, कितने पार्टनर्स हैं, जो जा चुके हैं उनका कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो हैं और जिस तरीके से फर्म आपके सामने है उस पर उस तरीके से ही या उसी फॉर्म में टैक्स लगेगा, ठीक है। अगर एक फर्म में दो पार्टनर हैं और एक पार्टनर की डेथ हो जाएगी, तो डेफिनेटली आपको पता ही है कि अगर एक ही पर्सन रह गया तो फिर वो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब आ जाता है तीसरा जो हेडिंग है, दैट इज़ सक्सेशन ऑफ वन फर्म बाय अनदर फर्म। अगर एक फर्म का ऑनरशिप चेंज हो जाए, बिजनेस ट्रांसफ़र हो जाए पूरा का पूरा किसी और फर्म को, यानी सारे पार्टनर बदल जाएँ, ऐसा भी हो सकता है कि ऑल द पार्टनर जो है वो रिप्लेस कर दिया है अदर पार्टनर के द्वारा, या ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सारे ही बदल जाएं, हो सकता है कुछ पुराने भी रह जाए, लेकिन ऑनरशिप बदल गई है, चेंज ऑफ ऑनरशिप हो गया है, सारा का सारा बिजनेस ट्रांसफ़र हो गया, तो हम मान लेंगे कि जो एक फर्म ने दूसरी फर्म को अपने होल्ड में ले लिया है, ओके। आइडेंटिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस जो है वो नहीं बदलेगी, मतलब बिजनेस भी कंटिन्यू है और बिजनेस वही है जो पहले था, लेकिन वहाँ पर लोगों को ऑनरशिप चेंज हो गया है। फिर नेक्स्ट आ रहा है असेसमेंट आफ्टर सक्सेशन ऑफ वन फर्म बाय अनदर फर्म। सॉरी, ये हाँ, असेसमेंट क्या रहेगा, अभी हमने बोला सक्सेशन हो गया तो असेसमेंट कैसे रहेगा। असेसमेंट डेफिनेटली एक फर्म जो पहले थी, अब मान लीजिए एक ईयर के अंदर अंदर एक फर्म दूसरे फर्म के पास चली गई, तो उस ईयर के जिस डेट पर वो फर्म सक्सीड की गई होगी, उस डेट से पहले जो पुरानी फर्म थी उस पर असेसमेंट पुराने तरीके से होगा, और नई फर्म पर फिर नए उस फर्म में होगा, यानी कि नए पार्टनर उसमें होंगे, राइट। तो सक्सीडेड फर्म पे उस तरीके से होगा जैसे होना, फर्म का जो हमारा टैक्सेशन होगा वो तो मेथड सेम ही है, लेकिन हम फर्म के रूप की बात कर रहे हैं कि एक फर्म पुरानी थी एक नई थी, तो नई पुरानी फर्म पर भी होगा, और जितने टाइम तक वो रही उसके बाद नई फर्म आ गई, तो फिर उतने टाइम जितने टाइम के बाद नई फर्म हमारी एग्जिस्ट हुई, तो उसके बाद उसके ऊपर हमारा असेसमेंट किया जाएगा। अब मिसिंग प्रीडिसेसर का मतलब क्या है, कि जैसे मैंने अभी बोला कि असेसमेंट दोनों पर अलग अलग होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि असेसिंग ऑफिसर थोड़ा डाउट में रहते हैं और उन्हें प्रीडिसेसर यानी कि जो पुरानी फर्म थी जो कन्वर्ट हो गई एक तरीके से नई फर्म में, पुरानी फर्म के बारे में अभी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है एंड असेसमेंट अभी नहीं हो पा रहा, तो नई फर्म पे ही असेसमेंट होगा, ठीक है, यानी पुरानी फर्म के ऊपर नहीं होगा, फिर नई फर्म पर होगा, ठीक है। फेलियर टू रिकवर द सम फ्रॉम द प्रीडिसेसर, यानी अगर पुरानी फर्म से कोई भी चीज़ें ड्यू थी सरकार को टैक्स के फॉर्म में, और क्योंकि यहाँ पर डाउट है तो हमने टैक्सेशन उन पर नहीं किया है, तो वो सारा का सारा टैक्सेशन नई फर्म पे होगा,
और नई फर्म से सारा पैसा हम रिकवर करेंगे, वो भी जो हमें पुरानी फर्म से लेना था। हाँ, ये एक अलग बात है कि बाद में वो जो प्रीडिसेसर से सक्सेसर फर्म अपना पैसा वसूल कर सकती है। जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी ऑफ पार्टनर फॉर टैक्स पेबल बाय द फर्म, ये बात तो हमें बहुत पहले से ही पता है कि किसी फर्म के पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो जॉइंट भी होती है और वो इंडिविजुअल लायबिलिटी भी रहती है। ठीक है, तो फर्म की टैक्स के लिए, पेनल्टी के लिए, ट्रस्ट के लिए ऑल पार्टनर्स आर जॉइंटली और सेवरेबली लायबल। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म और डिसकंटिन्यूअस ऑफ बिजनेस, यानी किसी भी फर्म का जब डिसोल्यूशन हो जाता है या कोई फर्म का डिसकंटिन्यू कर देते हैं, फर्म का बिजनेस बंद कर देते हैं, तो उस केस में क्या होगा। देखिए, डिसकंटिन्यूअस का मतलब है बिजनेस को बंद कर देना, राइट। सिर्फ पार्टनर्स चेंज होने से फर्म डिसकंटिन्यू नहीं होती है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर फर्म बिल्कुल बंद कर दी गई है, उसका बिजनेस बंद कर दिया गया है, दैट इज़ डिसकंटिन्यूअस ऑफ द फर्म, जिसे आप डिसोल्यूशन भी कह सकते हैं। जब सारे पार्टनर के बीच में रिश्ता ख़त्म हो जाता है, पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल सभी पार्टनर्स अलग अलग हो जाते हैं, तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है। तो ऑब्वियसली डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में तो फिर वही वाली बात है कि वो जो एक प्रोसीजर होता है कि हम जो भी टैक्स लायबिलिटी है वो पे करके और बाकी का जो हिस्सा है वो आप पार्टनर्स में बांट दोगे, एंड देन उसके बाद वो सब स्प्लिट अप हो जाएंगे। तो लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम एक बिज़नेस के हमने दो पार्ट कर दिए, लेकिन अगर वो पार्ट इंडिविजुअल मतलब बिल्कुल सेपरेट है, उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, तो हम ये मानेंगे कि ओरिजिनल जो बिज़नेस है वो तो डिसकंटिन्यू हो गया, अब एक दो नए बिज़नेस जो हैं वो चल रहे हैं, तो उन दोनों पर अलग अलग तरीके से टैक्सेशन होगा। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट चलते हैं फिर हम आगे, दैट इज़ प्रोविज़न रिगार्डिंग असेसमेंट ऑफ सच बिजनेस, सॉरी ये कौन से बिज़नेस की हम बात कर रहे हैं। हाँ, तो अभी हम जो बात कर रहे थे कि डिसकंटिन्यू अगर हो जाए बिज़नेस तो हम असेसमेंट कैसे करेंगे। हमने सक्सेसर में भी देख लिया, सक्सेशन जब हुआ, हमने कॉन्स्टिट्यूशन जब चेंज हुआ तब भी देख लिया, अब हम देखेंगे कि फर्म डिसॉल्व हो जाते हैं तो असेसमेंट कैसे होगा। मान लीजिए फर्म जो है 4 महीने काम करके डिसॉल्व कर दी पार्टनर्स ने, तो ऑब्वियसली असेसमेंट तो होगा, ठीक है, ये मानकर कि जैसे डिसॉल्व हो ही ना हो। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर डिसॉल्व होगी इसका मतलब ये नहीं है कि उनका असेसमेंट नहीं होगा, डेफिनेटली उनका जो भी हिसाब किताब है वो तो क्लियर करना होगा ना, तो असेसिंग ऑफिसर उनका बिल्कुल वैसे ही असेसमेंट करेंगे जैसे डिसॉल्यूशन हुआ ही ना हो, इस तरीके से। उसके बाद फिर जो भी उसके टैक्सेस, पेनल्टी और जो भी इंटरेस्ट वगैरह बनता है उसके लिए उसके सभी पार्टनर्स जॉइंटली और इंडिविजुअली लायबल रहेंगे जब तक उनका पेमेंट क्लियर नहीं हो जाता। एक इलस्ट्रेशन हम लेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 22 जो कि इन्हीं चीज़ों पर बेस्ड है। 3 पार्टनर हैं ABC, एक फर्म में शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस और उनका रेशियो है 1:2, 1:4, 1:4। 8 मंथ्स के बाद क्या किया, बी चला गया और डी जो है उसकी जगह आ गया, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो भी चेंज हो गया। कैसे, ए का 6/16 हो गया, सी का 5/16 और डी का 5/16, यानी बी चला गया और डी आ गया। प्रॉफिट उनके हुए 88,000, यहाँ तक ओके है। अब ये 88,000 को वो बुक प्रॉफिट बांट रहा है, राइट, तो कह रहा है कि ये जो प्रॉफिट आए हैं ये बुक प्रॉफिट हैं और हमने इनको निकाला है ये सब चीज़ें माइनस वगैरह करने के बाद, मतलब ये सब लेस करने के बाद, डेबिट करने के बाद हमारा बुक प्रॉफिट आया है, ठीक है। क्या क्या, हम इसमें से 8,000 लेस कर चुके हैं इंटरेस्ट के, 12,000 सी को सैलरी के दे चुके हैं, 6,000 रेंट शॉप भी से रेंट, कोई शॉप रेंट पे ली थी उसके दे चुके हैं, 3,000 हमने कमीशन पे किया था डी को, बुक प्रॉफिट निकाला है 88,000 इन सब की एडजस्टमेंट के बाद, राइट। अब क्या कह रहा है वो, हाँ अब कह रहा है वो, फर्म हैज़ टू बी अलाउड डिप्रिसिएशन, 22,000 का डिप्रिसिएशन और देना था, डिप्रिसिएशन हैज़ नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट वाइल कैलकुलेटिंग द अबव प्रॉफिट। 88,000 का जो किया हमने डिप्रिसिएशन लगाना भूल गए। आपने कंप्यूट करना है टोटल इनकम ऑफ द फर्म को और एलोकेट करना है उसको सभी पार्टनर में, एज्यूम करते हुए कि फर्म 184 की कंडीशन पूरी करती है। आपको ब्रॉक फॉरवर्ड बिजनेस लॉस भी दिया गया है जो कि 60,000 है। यानी 8 महीने के बाद ये मामला चेंज हुआ जब ए आया और बी गया, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फर्म का टोटल
प्रॉफिट देखेंगे, फिर हम उसको 8:4 में डिवाइड कर देंगे, यानी 8 महीने पहले और 4 महीने बाद में। हर चीज़ हम इस तरीके से सेट करेंगे। चलिए, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम हम कैसे निकालते हैं। जो प्रॉफिट हमें दे रखा है 88,000 का, उसमें ये सारी एडजस्टमेंट दोबारा करनी है। क्या? इंटरेस्ट जो ए का है प्लस कर दीजिए, सैलरी टू सी, कमीशन टू डी, रेंट, रेंट डिडक्टिबल है इसको नहीं प्लस करना, ये सही लेस कर रखा है, और डेप्रिसिएशन जो माइनस करना चाहिए था, यानी आपको जो भी एडजस्टमेंट करनी है वो आपने कर ली। करने के बाद ये आपका अमाउंट आ गया है 89,000। यहाँ तक ओके है, अब आ जाइए 89,000 को हमने क्या किया है, 8 महीने और 4 महीने में बांट दिया है, यानी कि इसमें तो ए बी सी थे और इसमें ए डी और सी थे, राइट। तो ए बी सी के टाइम 59 समथिंग है और ए डी और सी के टाइम 29 समथिंग है। अभी हर चीज़ को, जितनी चीज़ें आप देख रहे हो ना, जैसे 8,000 है फिर इसको 8:4 में बांटो, 12,000 है इसको 8:4 में बांटो, इस तरीके से, राइट। चलिए, जो जो डेप्रिसिएशन है 22,000, इसको बांटने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप चेक कर लेते हैं क्या करना है, उसको बांटना, सॉरी उसको बांटना है, लेकिन उसको भी 8:4 में बांटना है। आपने क्या किया, सबसे पहले डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट किया, फिर इंटरेस्ट टू ए, यहाँ पर दिख रहा है इंटरेस्ट टू ए 8:4 में बांटा, सैलरी टू सी, कमीशन टू डी, ठीक है, ये सब आपने कर दिया। बाकी चीज़ें ओके थी, उनका कुछ नहीं करना है आपने, ये आप एडजस्टमेंट करो। करने के बाद हमारा क्या आ गया, एक सेकेंड, मैं एक चीज़ देखना चाहती हूँ, तो वेट कीजिए ज़रा, क्या क्या है, इंटरेस्ट सैलरी कमीशन, इंटरेस्ट सैलरी कमीशन, ठीक है, और हाँ ठीक है, ओके जी। तो सबको आपने 8:4 में क्लियर कर दिया। अब इसको माइनस करके देखो 46 आया, इसको माइनस करके देखा 20 आया। अब इसका मतलब पहले समझ लो, हमारा कितना प्रॉफिट था, 89 था, ठीक है, 89 तो पूरे ईयर का था। हमने क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन जब चेंज हुआ तो 8 महीने का अलग हो गया और 4 महीने का अलग करना है, क्योंकि 8 महीने में तो पार्टनर बी भी था और 4 महीने में पार्टनर सी था, डी था, बी तो चला गया था। तो हम अलग अलग लाइबिलिटी देखेंगे ना, कि ए बी और सी की लाइबिलिटी क्या बनती है, फिर ए सी और डी की लाइबिलिटी क्या बनती है। उसके लिए हम पहले प्रॉफिट निकालेंगे और फिर हम इसको सबको 8:4 में कन्वर्ट करते जाएंगे। अब इसको वापस कर लो, 46 और 20 को हम ऐड कर लेते हैं। अब आप सोचेंगे कि अगर आपको ऐड ही करना है तो आपने ये सब किया क्यों, इसकी रीज़न आपको बाद में पता चलने वाला है। अब हमारा बिज़नेस प्रॉफिट हो गया 66,000, ठीक है। नाउ आप देखोगे बिज़नेस लॉस मैंने लेस कर रखा है 56,500, जबकि यहाँ बिज़नेस लॉस हमें दे रखा है 60,000। अब सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि जब आपके पास इतना लॉस प्रॉफिट है तो आप सारे का सारा बिज़नेस लॉस क्यों नहीं माइनस कर रहे हो। इसके लिए मैं आपको आगे लेके चल रही हूँ, यहाँ आइए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा ब्लर हो गया है। देखिए 46,000 8 महीने का था, 20,000 4 महीने का था, ये ए बी सी में, ए सी डी में, ज़रा उसको हम एक बार कर लें डिवाइड, ए बी और सी। हमने क्या करना है, पार्टनर्स को रखना है और उन सब में ऐसे डिवीज़न करना है। तीन लोगों में 46 बटेंगे और फिर तीन लोगों में कितने बटेंगे, 20 है, ठीक है, ये बांट दिया, ये आ गया हमारा 30,500, बी आ गया 11,500, 17,750 एंड समथिंग 6,250, यहाँ तक ओके हो गया है। अब आ जाता है बिज़नेस लॉस। क्या कहा गया था कि पार्टनर को अपने सारे फर्म के लॉसेस को आपस में शेयर करना होता है ना, ठीक है। अभी क्या किया हमने, 60,000 का जो लॉस आया था, 60,000 में तो हमने क्या करना है, कितने लोग हैं भाई ज़रा चेक करें, 8:4 में 60,000 करेंगे तो कुछ इधर आ जाएंगे और कुछ तीन में चले जाएंगे, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, रेशो में बांटना है, जैसे 30,000 इसके हिस्से में आए, 11,500 इसके हिस्से में आए। आप इसको ज़रा नीचे चेक करेंगे, यहाँ पे वर्किंग नोट्स दे रखे हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस 60 है, इट विल बी डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी सी इन द रेशो दिस, ठीक हो गया ना, राइट। अब आप कहोगे कि सिर्फ ए बी सी में क्यों बांटा, 8:4 में क्यों नहीं बांटा, भाई ये लॉस पहले के थे, जब डी आया तब कोई लॉस नहीं था, ये लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, पिछले साल के लॉस हैं, पिछले साल तो डी था ही नहीं, तो इसका मतलब 60,000 के लॉस में सिर्फ ए बी और सी को ही शेयर करना है। इसीलिए हमने पूरे के पूरे 60,000 को इन तीन लोगों में बांटने की कोशिश की है। जब मैं उसका डिवीज़न करती हूँ तो डिवीज़न मेरा बनता है 30,000, 15,000 और 15,000। अब यहाँ आ जाओ,
ए के पास तो 30,500 है, तो 30,000 दे सकता है बड़े आराम से, अभी भी 500 रुपये उसके बच गए। लेकिन बी बेचारा तो 11,500 भी उसकी गाड़ी अटक गई है, तो वो 15,000 कहाँ से देगा? नहीं देगा ना, वो सिर्फ 11,500 ही दे सकता है। ठीक हो गया। सी जो है 17,750 है, तो 15,000 आराम से दे सकता है, इसकी 2,750 प्रॉफिट हो गया। डी का तो इसके साथ कोई कनेक्शन ही नहीं था। अब आप चेक करो, एक बी ऐसा है जिसके पास पैसों की कमी थी। कितने पैसों की कमी थी? 15,000 देने चाहिए थे ना इसको, पर है ही नहीं तो कहाँ से देगा। फर्म में उसका जो प्रॉफिट है वो 11,500 थे, लेकिन पिछले लॉस ही 15,000 के आ गए, तो बेचारे के सारे पैसे हमने छीन लिए। लेकिन उसके पास अभी भी पूरे पैसे नहीं हैं। कितनी कमी है ज़रा चेक करें, 15 में से 11,500 में लेस करूँ तो 3,500 रुपये की कमी है कि नहीं? अब हम क्या करेंगे, वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपको आइडिया हो गया कि मैंने 60,000 की बजाय 56,500 क्यों माइनस किए। आपको ये वाला अमाउंट तब लगाना है जब आप पार्टनर्स के पार्ट पर क्लियर हो जाओ। अगर हर पार्टनर के पास इतना पैसा है कि वो ये पैसा दे सके लॉस का, तब तो आप पूरा का पूरा 60 लेस कर लो, वरना नहीं लेस कर पाओगे। ठीक है, तो 66 में से आपने सिर्फ 56,500 ही माइनस करने हैं, बाकी के 9,500 कहाँ जाएंगे? वो आपका इस साल का टोटल इनकम होएगा, मतलब टोटल इनकम इस साल का होएगा, और कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस होंगे 3,500 रुपये, जो अगले साल में जाके हम फिर से बिजनेस इनकम में से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। इस तरीके से आपने जो है फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो, तो इस तरीके से आपको प्रॉफिट निकालने हैं, ऐसे डिवीज़न करना, और इस तरीके से पार्टनर्स का शेयर निकालना है, और ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को भी ऐसे हैंडल करना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।